सुहा दोस्तों, आज हमारे पास कोमाकी की रिसेंटली लॉन्च हुई एक इलेक्ट्रिक बाइक है। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इस मॉडल का नाम है कोमाकी MX3 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 1,21,000 की। सारी डिटेल आपको शोरूम पर विजिट करने पर मिलेगी, अभी आप कॉल भी कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए इस बाइक के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसी दिखने वाली है। इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडशील्ड मिल जाएगी, और सामने का लुक आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है इस बाइक का। इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि आप देख रहे हो, और मडगार्ड की बात करें तो आपको कुछ ऐसा मडगार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोमाकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी विद स्टीकर वर्क। और इधर देख लेते हैं, इधर भी आपको सिंपल ब्लैक ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है मडगार्ड। ये राइज का सस्पेंशन आप देख सकते हो फ्रंट का, और रियर का सस्पेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। और अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट में। सबसे पहले हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा जो कि रालको ब्रांड का रहने वाला है। टायर साइज की बात करें तो आपको 2.75 का टायर साइज मिल जाएगा, और व्हील साइज आपको मिलने वाली है 17 इंच फ्रंट में। और रियर का टायर मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का टायर ये रहा, रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर टायर साइज मिल जाएगा 3.00 का, और व्हील साइज आपको रियर में भी मिल जाएगी 17 इंच की। व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिलने वाले जो कि डायमंड कट जैसा फिनिश आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो तो आपको ऐसा कुछ सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा जो कि देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि रियर व्हील में आपकी मोटर रहने वाली है, और मोटर के बारे में आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट में। आपको इसमें डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि CVS जैसा ही काम करता है, और ब्रेक कैलिपर आपको कोमाकी के मिल जाते हैं। सो ये रहा इधर का व्यू। अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे एकदम इंजन जैसा डिजाइन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपकी बैटरी लगेगी जिसे आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, और सेकेंड चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाले। ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, और इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा स्टीकर वर्क मिल जाएगा, और टैंक पे आपको MX3 कोमाकी की ब्रांडिंग मिलेगी। कोमाकी आपको 3D में लिखा मिलेगा, ये आपको स्टीकर वर्क के साथ में आएगा, एंड ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला। ये एक्चुअली मेटल वर्क के साथ में है, ये वाला जो आपको काउल दिख रहा है टैंक काउल, ये आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलेगा। और इधर की बात कर लेते, ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल है, और इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। और ये रहा इसका सीट काउल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रैब रेल जैसा मिल जाएगा ऐसा कुछ, और ये रहे इंडिकेटर। सो इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली। सॉरी दोस्तों, मैंने इसको राइडर फुटरेस्ट बोल दिया, ये पिलियन राइडर फुटरेस्ट है। और टैंक की बात करें तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ऊपर से कुछ ऐसे दिखने वाला है, एकदम डमी टैंक बनाया गया है। ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग पोर्ट लगा सकते हो, और इसका सेकंड चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे आगे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो बाइक को पार्किंग में लगा के, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, और नहीं तो इस बैटरी को निकाल के आप घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हो। सो अभी हम इसके मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको की के बारे में बता देता हूँ। आपको कुछ ऐसे की मिल जाएगी, आपको 3 की मिलने वाली है, 2 आपके ये ऑन करने के लिए, एंड 1 आपका बैटरी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड आप इसे रिमोट से भी असिस्ट कर सकते हो, या आप लॉक अनलॉक एंड स्टार्ट कर सकते हो। आपको एंटी थीफ लॉक भी मिल जाता है। अभी हम मीटर कंसोल को ऑन कर लेते हैं। सो ये लगा हमने, ये ओपन किया, ये ओपन हो गया मीटर कंसोल, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। और यहाँ पे आपका बैटरी का बताया गया, ये आपका मोड्स के बताएंगे, मतलब इसमें गियर शो कर रहा है, आपके 3 मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाएगी, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कितना किलोमीटर बाइक चली यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, रेडी इंडिकेटर एंड ऐसी कुछ आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, तो काफ़ी कूल सा आपको मीटर कंसोल मिल जाएगा। और अभी बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की। सो ये रहा थ्रोटल, ये रहा आपका ब्रेक लीवर, आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आपको स्पीड मिलने वाली है। सो ये रहा आपका हेडलाइट का स्विच, यहाँ पे आपको एक्चुअली ये डमी दिया गया है, अभी इसका कुछ काम, शायद फीचर में कोई अपडेट आया तो तब शायद इसका कुछ काम हो। और इधर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाएगा, या आपका इंडिकेटर का हो गया, या आपका रिवर्स का मिल जाएगा, इसमें आपको रिवर्स का भी ऑप्शन मिलता है, या आपका हॉर्न का हो गया, या आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। अभी मैं आपको बैटरी ओपन करके दिखा देता हूँ कहाँ से बैटरी ओपन होने वाली है। सो बैटरी आपकी यहाँ से ओपन होने वाली है, वो भी ये सेकंड वाली की से ओपन होगी, ये आपको ऐसे लगा कि ऐसे ओपन करना होगा तब आपकी बैटरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप निकाल के आप घर में भी चार्ज कर सकते हो। अभी हम इस बैटरी के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है जो कि एक अच्छी बैटरी होती है, 72 वोल्ट की 33 AH की आपको बैटरी मिल जाएगी। इसका चार्जिंग टाइम लगने वाला है 3 से 4 घंटे, और आपकी बिजली कंज्यूम होने वाली है 1.5 यूनिट। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो आपको रेंज मिल जाएगी 80 से 100 के आसपास, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। और अभी हम इसको लॉक कर देते हैं। और इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। और मोटर की बात करें तो आपको मोटर रियर व्हील में मिल जाएगी, इसमें आपको 250 वॉट की मोटर मिल जाएगी जिसकी टॉप स्पीड 25 के आसपास रहने वाली है,
है RTO नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लाइसेंस, ना तो ड्राइविंग लाइसेंस, ना तो पेपर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी टॉप स्पीड कम है। और मोटर की वारंटी की बात करें तो आपको 1 ईयर की मिलने वाली है, और बैटरी की बात करें तो आपको 2+1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। सो ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और इसके बाद हम चलने वाले इस बाइक के रियर वाले सेक्शन पे, फिर लेफ्ट साइड से देखते हैं बाइक कैसी दिखती है। सो रियर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, यहाँ पे आपको ग्रैबरेल मिल जाएगा जो कि मेटल वर्क के साथ में आता है। और उसके टेल सेक्शन की बात करें तो ये रहा टेल लैंप जो कि आपको LED मिल जाता है। रियर के इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखने वाले, नंबर प्लेट आपका यहाँ पे लगेगा। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड की बात करें तो ये रहा इसका सीट कवर, और ये रहा इसका व्हील आपका मिल जाएगा, पिलर राइडर फुटरेस्ट जैसे हमने उधर देखा था। इसमें आपको साइड स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों मिल जाता है, राइडर फुटरेस्ट, और ये रहा इधर आपकी बैटरी का मिल जाएगा। एकदम इंजन जैसा डिजाइन दिया गया है, ये सब फाइबर वर्क के साथ में आता है। यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोमाकी MX3 की ब्रांडिंग मिल जाएगी जैसे हमने उधर देखा था। ये रहा आपका टैंक आउल, ये आपको मेटल वर्क के साथ मिलता है, बाकी ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में आ जाएगा। सो लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, अभी आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा बाइक दिखती कैसी है। और साथ में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और भी हम जान लेते हैं इस बाइक की सीट के बारे में, आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाएगी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है राइडर एंड पिलियन राइडर को। आपको कुशनिंग इस पर ओके टाइप की मिल जाएगी, और आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा कैरियर टाइप का थोड़ा कुछ कैरी करने के लिए, और ऐसा कुछ आपको एज अ ग्रेबरेल यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये रहा इसका टैंक जो कि इसकी हाईलाइट है, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। सो आप लोगों ने जाना इस बाइक के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक बाइक जो आपके बजट के अंदर में आ जाए, साथ में काफ़ी स्टाइलिश भी, आपको रेंज भी ठीक ठाक मिल जाए, सो आप इस बाइक की तरफ आसानी से जा सकते हो। जो कि आप देख सकते हो इसका लुक काफ़ी अच्छा है, इसका लुक मुझे मिलता जुलता लगा होंडा की लीवो जैसा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये ऑन रोड पड़ने वाले 1,21,000, और इसकी रेंज आपको मिल जाएगी 8,200 के आसपास, और बिजली आपकी कंज्यूम होने वाले 1.5 यूनिट। सो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये ऑप्शन आप लोगों को कैसा लगा, किसको किसको ये बाइक पसंद आई, और कौन कौन लेना चाहता है। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू करना चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।